नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 के परीक्षा के परिणाम में सिवान के रामराज मोड़ स्थित पीके आर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग सभी छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया और मुख्य रूप से मोहम्मद सरकुद्दीन 416 नंबर, जीनत परवीन जोया 412 नंबर, आबिद इमाम 407 नंबर, विवेक कुमार 396 नंबर, अरबान हुसैन 361 नंबर, साक्षी राय 359 नंबर, अदिबा आफरीन 362 नंबर, खुशी खानम 351 नंबर, जोया जूही खान 349 नंबर, जैनब फातिमा 334 नंबर, अंकिता कुमारी 334 नंबर, शामिया शकील 332 नंबर, शिल्पी कुमारी 332 नंबर, कुंदन कुमार 328 नंबर, मुस्कान खानम 323 नंबर, वरिषा अहमद 319 नंबर, जैना परवीन 315 नंबर, सोहन मौर्य 312 नंबर, सगुप्ता 310 नंबर, अंजलि कुमारी 304 नंबर, मोहम्मद इरफान खान 300 नंबर प्राप्त किए। सभी सफल छात्रों को पीके आर्ट्स एकेडमी के संचालक प्रमोद सर और कुंदन सर द्वारा शुभकामनाएं दी गई। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में आप सफल हुए हैं, आपकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? प्रमोद सर जो हमको हर जगह पूरी तरह सपोर्ट किए हैं और मेरा घर से पूरा सपोर्ट मिला है पढ़ने के लिए। चलिए, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी शिक्षकों को, अपने सभी मित्रों को जिन्होंने हमेशा पढ़ाई में सहयोग किया और साथ में मिलकर पढ़ने का मौका मुझे प्रदान। इंटरमीडिएट 2020 के वार्षिक परीक्षा में आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने नाना नानी और भाई को देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सफलता के पीछे उन्हीं लोग का और टीचर लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने ममता को देना चाहूँगी और जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है और इससे भी बड़ा योगदान मैं अपने टीचर को देना चाहूँगी आज बिहार बोर्ड ने 12th का रिजल्ट जारी किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले हम कुंदन सर को, रंजीत सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन लोगों के सहयोग के बदौलत, उनके मेहनत के बदौलत आज हमारे सभी विद्यार्थियों ने सिवान में अपना नाम, अपने परिवार का नाम और हमारे कोचिंग संस्थान का नाम ऊँचा किया है। आपके कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? इस बार इंटरमीडिएट 2020 की वार्षिक परीक्षा में हमारे कोचिंग से लगभग 80 बच्चे विद्यार्थी जो हैं सफल हुए हैं, जिसमें 400 के पार लगभग 10 विद्यार्थी हैं। इस बार इंटरमीडिएट का रिजल्ट बहुत पहले आ गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये काबिल तारीफ है कि बिहार बोर्ड जो है वो लगभग 42 दिन में रिजल्ट दिया है और इतने महामारी के बीच इतने आंदोलन के बीच जो टीचर आंदोलन किए हैं और इतने कम समय में रिजल्ट दिया बिहार बोर्ड ने, काबिल तारीफ है, बिहार बोर्ड धन्यवाद। आपके बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं आपके कोचिंग संस्थान से, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आखिरी सफलता नहीं है क्योंकि अभी जिंदगी में बहुत सारे मुकाम को हासिल करना है, इसलिए अपने मेहनत पे विश्वास करें और दृढ़ संकल्प पर मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन को अवश्य मिलेगी। जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे अनुत्तीर्ण हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि ये आपकी थोड़ी सी मेहनत जो थी वो कहीं ना कहीं आप में कमी रही थी, खैर कोई बात नहीं है, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो सुधार करो। अगर आप हिंदुस्तान टीवी के माध्यम से प्रचार कराना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।